بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, I am Abdul Qayyum from FEI Naugam. Dear students, today we will start chemistry chapter number 2. The name of chapter is इस मैटर अराउंड अस प्योर. आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पे. केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर का नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर. डियर स्टूडेंट्स, जो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा केमिस्ट्री का, मैटर अराउंड अस, मैटर की डेफिनेशन आपने उसमें पढ़ी और क्लासिफिकेशन भी पढ़ी. उसमें आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी. आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे और देखेंगे कि केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर की क्या है. डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे मैटर को दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया. नंबर वन क्या है? प्योर सबस्टेंस, एंड सेकेंड इज इम्प्योर सबस्टेंस. सो ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज प्योर सबस्टेंस एंड सेकेंड इज इम्प्योर सबस्टेंस. नाउ प्योर सबस्टेंस क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, ए प्योर सबस्टेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. प्योर सबस्टेंस वो सबस्टेंस होता है जो सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स का बना हो. पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स. कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घी का पैकेट लाओगे तो उस पर लिखा होता है प्योर घी. अब ये प्योर किस बुनियाद पे होता है, किस बेस पे होता है? तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल्स के जरिए समझाना चाहता हूँ कि प्योर सबस्टेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स हों, जिसमें एक ही किस्म के एटम्स हो, जिसमें एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स हो, तो उस सबस्टेंस को प्योर सबस्टेंस कहते हैं. दस वी कैन से दैट ए प्योर सबस्टेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज एन एलिमेंट made up of only one kind of atoms, that is only iron atoms. अगर हम iron की example लेंगे, iron क्या है? एक element है. iron क्या है? एक element है. जो iron है ये सिर्फ iron atoms का बना होता है. अगर iron example ये हम लेंगे, iron element लेंगे, तो इसमें सिर्फ iron के atoms हो, आयरन के एटम्स हो, दैट मीन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. सो आयरन इज ए प्योर सबस्टेंस. सेकेंड, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, सल्फर इज एन एलिमेंट. सल्फर भी एक एलिमेंट है और इसमें भी सिर्फ सल्फर के एटम्स होते हैं. तो जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस. अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड इज एन एलिमेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली गोल्ड एटम्स. सो जो एलिमेंट्स हैं वो प्योर सबस्टेंस हैं. क्यों प्योर सबस्टेंस हैं? क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स होते हैं. ओके, सो प्योर सबस्टेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स, और वी कैन से दैट एटम्स और मॉलिक्यूल्स. सिमिलरली वाटर इज अ कंपाउंड. वाटर कंपाउंड है.
मेड अप ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड की बात भी हम आगे करेंगे। जो कंपाउंड होता है यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि प्योर सबस्टेंस क्या होता है और एग्जाम्पल्स प्योर सबस्टेंस। हाँ कंपाउंड जो है, कंपाउंड भी प्योर सबस्टेंस है। कंपाउंड में क्या होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो सिमिलरली वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर कंपाउंड है और उसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अमोनिया इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया कंपाउंड है और उसमें सिर्फ अमोनिया मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दस वी कैन से दैट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सबस्टेंस। तो एलिमेंट भी प्योर सबस्टेंस हैं और कंपाउंड भी प्योर सबस्टेंस हैं। अब कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो हम आगे बताएंगे आपको। कंपाउंड में कैसे एटम्स होते हैं और कंपाउंड में एक से ज़्यादा एटम्स भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे डेफिनेट प्रपोर्शन बाई मास होता है कंपाउंड में। तो यहाँ हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं प्योर सबस्टेंस की। सो हमने प्योर सबस्टेंस के एक तो एग्जाम्पल एलिमेंट्स ली और कंपाउंड ली। सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सबस्टेंस। अब हम इम्प्योर सबस्टेंस की बात करें कि इम्प्योर सबस्टेंस क्या होता है। एन इम्प्योर सबस्टेंस इज वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। इम्प्योर सबस्टेंस क्या होता है? इम्प्योर सबस्टेंस वो सबस्टेंस होते हैं, वो चीज़ें होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। एन इम्प्योर सबस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिक्सचर। इम्प्योर सबस्टेंस का दूसरा नाम है मिक्सचर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो इम्प्योर सबस्टेंस है। दस ऑल मिक्सचर्स आर इम्प्योर सबस्टेंस। मिक्सचर क्या होता है? अगर हम सॉल्ट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम क्लोराइड लिया, उसको हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये मिक्सचर बन गया। इसको हम सॉल्ट वाटर कहते हैं, गो सॉल्ट सॉल्यूशन इसको हम कहते हैं। तो सॉल्ट सॉल्यूशन ये इम्प्योर सबस्टेंस, ये मिक्सचर है। सो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझाएं कि एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर क्या है। सी वाटर, सी वाटर में बहुत सारे ये एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, तो वो इम्प्योर सबस्टेंस होता है। तो इम्प्योर ये सी वाटर जो है ये इम्प्योर सबस्टेंस है। सॉइल, सॉइल में भी अगर आप सॉइल होगी उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, वो भी इम्प्योर सबस्टेंस है। आयर, आयर क्या है? आयर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अर्गन होता है, उसके बगैर भी बहुत सारे ये गैसेस होते हैं, ट्रेस अमाउंट्स में भी होते हैं। और तो ये इम्प्योर कहलाता है, इम्प्योर सबस्टेंस है, और इसको हम मिक्सचर भी कहते हैं। सो इधर मिक्सचर और इम्प्योर सबस्टेंस दोनों एक ही बात है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं वो भी इम्प्योर सबस्टेंस होते हैं ऑन द बेस ऑफ पार्टिकल्स। मिनरल्स, मिनरल्स भी इम्प्योर सबस्टेंस होते हैं। रॉक्स, वो भी इम्प्योर सबस्टेंस होते हैं। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी इम्प्योर सबस्टेंस होता है। सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन जो मैं अभी आपको हो रहा था, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, अगर हम सोडियम क्लोराइड लेंगे उसको हम वाटर में डिजॉल्व करें तो इट फॉर्म्स ए मिक्सचर, एंड मिक्सचर इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्योर सबस्टेंस। शुगर सॉल्यूशन, अगर हम शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर लें इट फॉर्म्स ए सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन इज आल्सो इम्प्योर सबस्टेंस। जो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है तो उसको हम इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नंबर वन इज एलिमेंट, सेकेंड इज कंपाउंड एंड थर्ड इज मिक्सचर। एलिमेंट
एलिमेंट, ये केमिकल क्लासिफिकेशन है। नंबर वन है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सबस्टेंस होता है। और विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और आइडेंटिकल एटम्स। एलिमेंट में एक ही किस्म के एटम्स होते हैं, इसीलिए ये एग्जाम्पल है प्योर सबस्टेंस की। कॉपर, कॉपर भी एक एलिमेंट है, वो सिर्फ कॉपर एटम्स का बना होता है। आयरन, आयरन इज एन एलिमेंट एंड एलिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सबस्टेंस, क्योंकि आयरन में जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ आयरन एटम्स होते हैं। गोल्ड, और गोल्ड की जो मैंने यहाँ पे मैंने सिंबल लिखी वो है AU। गोल्ड जो है इसमें सिर्फ गोल्ड एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज एन एलिमेंट एंड एलिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सबस्टेंस। जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स फर्द आर फर्दर क्लासिफाइड एज, एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाई किए गए मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। मेटल्स की एग्जाम्पल्स और मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे। और जो मेटल्स हैं वो लस्टरस होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो है लस्टरस है, शाइनी अपीयरेंस है, मेलेबल है, डक्टाइल है। तो यहाँ पे मैं एक एडिशनल प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता हूँ कि मेटल्स क्या हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है दैट मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। इनमें टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को ये लॉस कर सकते हैं, जो इनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो लास्ट शेल होता है आउटर मोस्ट शेल उसको वैलेंस शेल कहते हैं। ये जो शेल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है इसकी जो डिटेल्ड में हमें ये पढ़ना है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, वो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 4 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, या हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिटेल्ड इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे उसमें। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो एडिशनल प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे बताई कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, इसका मतलब क्या है? मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में, शेल क्या होता है? शेल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। शेल्स में शेल क्या होती है? ये स्पेस होती है अराउंड द न्यूक्लियस, और इस स्पेस में, इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और सोडियम भी एक एलिमेंट है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो है 2, 8, 1। अब लास्ट शेल में, दैट मीन्स वैलेंस शेल में, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस एटम को चार्ज पॉजिटिव आता है, तो सोडियम एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड +1 चार्ज, सो दैट मीन्स इट लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन। इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, दस इट लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड अचीव्स नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। नोबल गैस क्या होते हैं? जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं जिनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, या जीरो वैलेंट एलिमेंट्स भी उनको कहते हैं। तो उनके जो लास्ट शेल्स होते हैं उनमें 8 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम का जो फर्स्ट शेल है वही उसी उसका लास्ट शेल भी है, और उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 18 में उनके लास्ट शेल्स में 8 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो सोडियम है इट हैज टेंडेंसी टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये लॉस 1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसको भी लास्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहेंगे। तो उसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो लास्ट शेल में अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 रहेंगे। दैट मीन्स इट हैज अचीव्ड नाउ
a noble gas electronic configuration. Thus, it loses one electron and achieves noble gas electronic configuration. आपको यहाँ पे मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आपको ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जो आपने 8th में पढ़ी कि मेटल्स आर लस्चरस, दे आर शाइनी, दे हैव टेंडेंस, दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल. लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन या ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है, इस पर हम डिटेल्ड चैप्टर नंबर 4 में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी पढ़ने हैं, और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव या इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है वो क्या होता है वो हम डिटेल्ड में उस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो यहाँ आपको मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आपको याद रखना है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज वो भी आपने क्लास 8th में पढ़ी. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर. नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. उनके जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4, 5 या 6 होते हैं. तो 8 बनाने के लिए, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. जब गेन कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन करता है तो उसका चार्ज नेगेटिव आता है. तो चूंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको ऐड करते हैं कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर. दैट मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे नॉन मेटल्स की एग्जाम्पल लेंगे, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, या जो नाइट्रोजन है वो भी नॉन मेटल्स हैं. तो यहाँ पे मैं क्लोरीन की एग्जाम्पल लूँगा ताकि आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं. क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है. जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इसकी करते हैं तो दैट मीन्स इट इज़ 2, 8, 7. तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन की. तो अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अचीव करे, लास्ट शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए. तो ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, क्योंकि 8 बनने के लिए इसको इजी हो जाए कि ये 8 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन विल बिकम 2, 8, 2, 8, 8. जब इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा क्लोरीन पे. तो इसका मतलब है नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर होते हैं. इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड अचीव्स नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो ये चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का, ये हमने आज स्टार्ट किया. इसमें आपको याद रखना है कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं. अब जो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम वो कंपाउंड और मिक्सचर क्या होता है उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह. यहाँ आज आपने सिर्फ प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस की मैंने थोड़ा बहुत आपको डेफिनेशन बताई और कुछ एग्जाम्पल्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.